आइए नाज़रीन, आज हम आपको देग बिरयानी बनाने की रेसिपी देते हैं जिसके लिए हमें इन ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमने जिसके लिए चावल लिए हैं राइस 4 कप्स, 2 मीडियम टू लार्ज साइज के हमने अनियंस लिए हैं, 1 होल गार्लिक लिया है, 1.5 इंच जिंजर ली है, 1 कप फुल ग्रीक स्टाइल योगर्ट लिया है, आप चाहें तो प्लेन योगर्ट भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून फुल पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून फुल सॉल्ट, 1.5 टीस्पून फ्लेक्ड चिलीज जिन्हें क्रश्ड चिलीज भी कहते हैं, ये हॉट हैं, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि सफेद जीरा, और 1 टेबलस्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है, 10 to 12 हमने क्लोव्स ली हैं यानी कि लौंग, 1 टीस्पून हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि सफेद जीरा, 4 हमने बे लीव्स लिए हैं यानी कि तेजपात, और 10 to 12 हमने प्लम्स लिए हैं, ड्राइड प्लम्स लिए हैं यानी कि आलू बुखारे जो कि आपको इंडियन स्टोर से मिलेंगे, 4 हमने ब्लैक कार्डमम्स ली हैं यानी कि बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जो है वो हमने कैरावे सीड्स का लिया है यानी कि शाह जीरा जिसे काला जीरा भी कहा जाता है और शायद इसे पर्शियन क्यूमिन भी कहते हैं, 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है, 1.5 इंच की हमने सिनेमन स्टिक ली है और 4-5 हमने लौंग ली है यानी कि क्लोव्स, 2 हमने नटमैग लिए हैं यानी कि जायफल, और 10 to 12 हमने ग्रीन कार्डमम्स ली हैं यानी कि हरी इलायची, और 2-2.5 पीस जो है वो हमने अच्छे बड़े साइज के जावित्री के लिए हैं यानी कि मेस, फूड कलरिंग आपको चाहिए होगी, आपने देखा होगा अमूमन हम पाउडर फॉर्म में जो फूड कलरिंग है वो यूज करते हैं, वो बहुत ही अच्छी सबसे बेहतरीन जो फूड कलरिंग आजकल अवेलेबल है वो ये है, ये जो टिबिया आपको इस वक्त फिल्म में दिखाई दे रही है ये इंडियन स्टोर से अवेलेबल है और सिर्फ 3 रंगों में आती है यानी कि पीला, ऑरेंज और रेड। साथ ही हमें क्योड़ा वाटर चाहिए होगा, ये आपके पास जरूर हो, अगर ये ना हो तो ये देग वाली बिरयानी फिर नहीं बनती। राइस हमने लिए हैं, ये बेहतरीन क्वालिटी के राइस हैं, केला एक्सेल इनका नाम है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन और ग्रीन कलर का बैग है, इनको हमने अच्छी तरह से धो लेना है और इनका सारा जो ये मिल्की इसमें से वाटर निकलेगा उसको ड्रेन कर देना है वरना चावल जो है वो स्टिकी हो जाते हैं, और इनको लूक वार्म वाटर में हमने 1-1.5 आवर के लिए सोक कर देना है। 2 अनियंस जो थे उनको हमने थिनली स्लाइस कर देना है, फिर एक खुले बर्तन में पॉट ले लें, कड़ाही ले लें, हमने वॉक लिया है जो कि सनबीम का है, इतना ऑयल जो है वो हमें नेगेटिव फीडबैक देने के लिए बहुत काफी होगा, तो जिंजर और गार्लिक जो है वो हमने छील लिया है दोनों और उसमें करीबन 3/4 कप जो है वो हमने पानी का डाला है और इसको हमने बारीक पीस लेना है, आपने जिंजर और गार्लिक पेस्ट यूज नहीं करना। नटमैग जो है उसको आपने चोट लगा ली है, तोड़ लिया है, 2-3 टुकड़े कर लिए हैं, और इसी तरह 3-4 ग्रीन कार्डमम्स जो है उनको भी थोड़ा सा क्रैक कर लेना है, बहुत ना तोड़े वरना इसके दाने मुंह में आते हैं। अनियन जो है ये देखिए गुलाबी हो चले हैं मीडियम हीट पर, इसमें से ज्यादा हमने निकाल लेने हैं और बिल्कुल थोड़े से अनियंस जो हैं वो कड़ाही में ही रहने देने हैं या पॉट में ही रहने देने हैं, और इसके बाद हमने चिकन डाल लेनी है, चिकन पोर्शंस वगैरह जो हैं बाहर के मुल्कों में अवेलेबल आप वो ना बनाएं इसलिए कि उसमें स्मेल होती है, होल चिकन लें फ्रेश मिले तो बहुत अच्छा है, उसको आप काट लें टुकड़ों में जिस तरह के हमने काटी है, ये 2 चिकन्स हैं 1.2 kg की ईच थी यानी कि करीबन 2.5 किलो से 2.5 kg से थोड़ा सा कम ये चिकन का मीट है, चिकन को हमने इन प्याजों में डालकर अच्छी तरह से हिला लेना है, और ये देखिए ये जो अनियन है ये हमने निकाल कर एक ट्रे में रखे हुए हैं, दूसरी तरफ अब हम ये जो पॉट है एक बड़े साइज की पॉट में खुला पानी लेंगे, और ये जो हमने गार्लिक और जिंजर पीसा था इसको हमने थोड़ी सी चिकन हिलाकर उसमें डाल देना है, पॉट जो है पानी से भरी हुई वो हमने स्टोव पर रख दी है जिसमें हमने चावल उबालने हैं, और उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 10-12 क्लोव्स जो थी वो डाल दी हैं, और पॉट को हमने ढक देना है ताकि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। अब जो चिकन है उसमें हम सारे स्पाइसेस जो थे वो ऐड करेंगे, सारा जो गरम मसाला हमने रखा हुआ था और जो जायफल जावित्री वगैरह रखी हुई थी, जो ड्राइड प्लम्स हमने रखे हुए थे वो सब हम डाल के इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और इसके बाद हमने जो पाउडर स्पाइसेस का सारा रखा हुआ था वो भी इसमें मिला देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाकर ढक देंगे, अगर हम ढकेंगे नहीं तो ये चिकन जो है ये अंदर से पकेगी नहीं जल्दी और बाहर से ये घुल जाएगी, तो इसको ढकना जो है वो बहुत जरूरी है कोई करीबन 3-4 मिनट्स के लिए एट अ टाइम। और ये जाफरान है, पिंच ऑफ सैफ्रॉन हमने इसमें डाला है जिस वक्त हमने इसकी
ये स्पाइसेस सारी निकाली हैं, उस वक्त ही हमें मिला नहीं था, अभी मिला है, तो अब हम इसको इसमें डाले लेते हैं और इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 3 to 4 minutes के लिए। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें से ऑयल जो है वो अलग दिखाई देने लगे। जितनी देर में ये पककर बिल्कुल ड्राई हो रहा होगा उतनी देर में आपने योगर्ट, 1 cup योगर्ट जो था और जो अनियन गोल्डन करके आपने निकाले थे उनको मिलाकर पीस लेना है। और ये जो पेस्ट आपका तैयार होगा योगर्ट का, ये आपने चिकन में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। योगर्ट डालते ही आप देखेंगे कि ये कोरमा सा बन गया है, तो बिरयानी की जो बेस है वो कोरमा है। अब हमने इसमें केवड़ा वाटर डाला है, ये जो एक लीड है तकरीबन कोई 1 tablespoon होगा ये मसाला। अब आप अच्छी तरह पर देख लें, बहुत गौर से देख लें कि आपने कितना पकाना है। ये स्पून जो है जब आप इसको टिल्ट करेंगे तो आपका मसाला जो है वो स्पून पर से गिरेगा नहीं, वो इतना ड्राई है, इतना खुश्क हो चुका है कि समझें कि वो बोटियों पर ही चिपका हुआ है। थोड़ा बहुत जो है वो इसमें मौजूद है लेकिन वो काफी ड्राई है। अब हमने चावल जो है वो अपने बॉइलिंग वाटर में डाले हैं और इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। बॉइलिंग वाटर में डाल के आपने इनको बिल्कुल थोड़ा सा हिला देना है, मामूली सा, और इसमें थोड़ा सा लेमन, जैसे 1 teaspoon जो है वो लेमन स्क्वीज हमने इसमें डाला है, लेमन जूस डाला है। और घी जो है देसी घी हमने थोड़ा सा लिया है, हो तो डाल लें, बेशक आप बटर डाल लें 1 tablespoon, वरना कुकिंग ऑयल ही थोड़ा सा डाल लें इसमें 2-3 tablespoon। और ये देखिए खड़े खड़े ही करीबन फौरी तौर पे उबलते पानी में आपने डाला है, फ्यू मिनट्स में ही, चंद मिनट्स में ही आपके चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये चावल जो है ये बिल्कुल अभी खड़े खड़े हैं, सख्त हैं, खाने वाले नहीं है, जैसे उबले हुए चावल होते हैं वैसे नहीं है, बल्कि बीट्स की तरह ये महसूस होंगे। उस वक्त आपने इनको ड्रेन कर लेना है। जिस वक्त आप इनको ड्रेन करने के लिए उतारेंगे पॉट को, आप देखेंगे कुछ चावलों में अभी कच्ची कनी रहती हो और कुछ चावल जो है उनमें कनी ना हो, ग्रेन आपको अंदर महसूस ना हो लेकिन कुछ में हो। जिस वक्त तक आप इनका पानी गिराएंगे उस वक्त तक जिन चावलों में ग्रेन अभी था वो भी ग्रेन खत्म हो चुका होगा। तो बहुत ही ध्यान से ये स्टेप जो है ये आपने करना है, वरना आपकी बिरयानी खराब होगी। और सबसे बड़ी बात, बिरयानी में चावलों की क्वालिटी है, अगर चावल अच्छे हैं तो बिरयानी अच्छी बनेगी। अब राइस कुकर की बेस में हमने क्यूमिन सीड्स जो है वो डाले हैं 1 teaspoon, और इसके ऊपर हमने ये चावल जो है इनका 2/3 जो उबाले थे वो नीचे फैला दिया है और इसको बराबर कर दिया है। इसके ऊपर हमने अब ये जो चिकन तैयार की है ये डाल देनी है और इसको थोड़ा सा बराबर कर लेना है। बाकी के राइस जो है वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको फिर बराबर कर लेंगे ऊपर से। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालते हैं, थोड़ा सा हमने येलो डाला है और बाकी हमने रेड डाला है, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा केवड़ा वाटर जो है 1 tablespoon करीबन डाल दिया है। और राइस कुकर को ढक के हमने कुक का बटन दबा देना है, करीबन 1/2 hour जो है वो आपने इसको राइस कुकर में रहने देना है। कुक से खुद ही वार्म पर चला जाएगा और इन चावलों को अब दम आ जाएगा। पॉट्स जो है हमारी, उनके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ब्रांड कौन सा है, तो इनका ब्रांड जो है वो रॉयल डल्टन का है। 1/2 hour के बाद हम अपने राइस जो है उनको खोलकर देखे लेते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसको बिल्कुल धीरे से साइड से स्पून डालकर आपने हिलाना है, बीच से स्पून आपने पॉट के बिल्कुल नहीं डालना, उससे ये होगा कि आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे और आपके बड़े अगर आपको देख रहे होंगे तो उनसे डांट भी पड़ सकती है। हमारे यहाँ जो चावल हैं वो कभी भी स्पून से नहीं निकाले जाते पॉट में से, हमेशा एक छोटी प्लेट जो होती है सीधी उससे निकाले जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह पर हमने चावल जो है प्लेट साइड से स्लाइड करते हुए राइस कुकर में निकाले हैं। और साथ हमने योगर्ट की चटनी बनाई है जिसमें हमने मिंट, सॉल्ट, ग्रीन चिली और कोरिएंडर डाला है। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है और आप चाहें तो आप उसे भी लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सी अच्छी टिप्स और रेसिपीज वगैरह जो हैं वो आपकी नजर से गुजरेंगी। तो ये देखिए हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। खुदा करे कि ये आपको बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।